हमें इंसाफ चाहिए यहाँ। अल्लाह कैद कर दे, हमें मजबूर को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। चलो ठीक है, वो कहाँ गया, वो तो बीच में था, वो ये रहा, ये रहा, आप उतरा, ये बीच में सामने क्या रट बैठो। देखिए 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 देखिए, अरे देखो, अगर आप ऐसे करोगे हाईलाइट है कोनो चीज को समझे जी बात, वो तो देख रहे, कुछ नहीं बोलना, कैमरा ऑन होगा, कुछ कुछ नहीं बोलना। ठीक है, कीजिए 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 सर, डीसी ऑफिस भी जाएंगे, जाओ जाओ डीसी ऑफिस, पहले पहले बात तो सुन लो ना, जाओ जो करना होगा करेंगे, पहले बात कहीं पे हो रहा तो हो रहा, अपनी घटना बता, घटना बता, घटना बता, बाकी बीच में कोई नहीं बोलेगा, जानने सर जी लगाइए, आप चुप रहिएगा, ठीक है, लाइव बताओ बताओ घटना बताओ, बताइए घटना बताइए बताओ, मैं ये चालू करो, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फूल बाबू, फूल मोहम्मद है मेरा नाम, मैं मधुबनी बिहार से रहने वाला हूँ, और ये मेरा पड़ोसी है जिसका जो मौत हुआ है, रामलाल साह और एक अनिल मुखिया। कहाँ पे मौत है उनकी? ये बिमना, ये बिमना थाने, थाने में बिमना हज हाउस के पास मौत हुआ है, और इसको रामबाग पुल पर से ले गया हुआ था काम कराने के लिए, और जब मैं वहाँ पहुँचा शाम तक मुझे पता लगा कि जो दो आदमी का मौत हो गया है, थाने वाले से मैं जब वहाँ पहुँचा, थाने वाले को लाश देखा तो वो मेरा ही आदमी था, फिर मैं उस आदमी से पूछा जो भाई ये लाश जो आप कहाँ से लाए हैं, तो उसने बोला कि हज हाउस से लाश लाए हैं, ये दो लाश है, फिर वो हम लोग से साइन वाइन क्या करवाया क्या नहीं करवाया, वो साइन करवा लिया, फिर मैंने उससे पूछा एफ आई आर हुआ है, बोला कि हाँ एफ आई आर हो गया है उसके खिलाफ, आप यहाँ पे साइन कीजिए, फिर शाम तक मैंने उसको बोला कि आपका बॉडी घर भिजवा देंगे, आप साइन करवा दीजिए, उसका मुआवजा भी आपको सही मिल जाएगा, फिर जब मैं शाम तक हुआ तो वो उसका वो बॉडी को जो है सो वापस नहीं पहुँच पाया, ना वो क्या नाम है उसका, ना मुआवजा मिला, ना मुआवजा मिला उसका, और वो लाश को भी अभी ले गया, हम लोग से पता नहीं क्या साइन करवाया नहीं करवाया, हम लोग को तो उतना पढ़े लिखे थे नहीं, उर्दू में सारा चीज लिखा हुआ था। अब हम लोग उसके लिए इंसाफ चाहिए, उसका जो इंसाफ उसका जो